हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बंद कॉलर गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो कपड़े को मैंने कुछ इस तरह से बिछा लिया है तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे निशान हम यहाँ पर डेढ़ इंच पर लगाएंगी तो कुछ इस तरह से गुलाई करेंगे ठीक है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ पर मैंने नेट को लिया है तो इसकी लंबाई हमारी छ इंच है ठीक है तो अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यहाँ पर रख लेना है ठीक है आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर नेट को रखेंगे और इसी के बराबर हम यहाँ पर क्या करेंगे निशान लगा देंगे आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से बंद कॉलर गले की डिजाइन बनाई है तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे तो शोल्डर की चौड़ाई हम यहाँ पर सात इंच रखेंगे और आरमोल की लंबाई भी सात इंच रखेंगे तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और एक इंच पर आरमोल की गुलाई करेंगे ठीक है और सीने की चौड़ाई हमारी सत्रह इंच है तो सत्रह को आधा करेंगे तो साढ़े आठ इंच पर निशान लगा देंगे और दो इंच का मार्जिन लेंगे अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे तीन इंच तो तीन इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ से क्या करेंगे गले की लंबाई नापेंगे तो गले की लंबाई ढाई इंच रखेंगे और इस तरह से बॉक्स बना देंगे बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे और यहाँ पर हमें एक इंच पर निशान लगाना है एक इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर मैंने हिप और कमर का भी निशान लगा दिया है ठीक है नीचे तक मैंने निशान लगाया है और यहाँ पर कमर की चौड़ाई हमारी पंद्रह इंच है पंद्रह को आधा करेंगी तो साढ़े सात इंच पर निशान लगाया है और दो इंच का सिलाई मार्जिन लिया है और हिप की चौड़ाई भी हमारी सत्रह इंच है तो सत्रह के आधे हुए साढ़े आठ इंच तो साढ़े आठ इंच पर निशान लगाया है और दो इंच का सिलाई मार्जिन लिया है और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे कटिंग करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है अब हम यहाँ पर इसको हटा देंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर भी कटिंग करेंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे डेढ़ इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर सीधा निशान लगा कर हल्की सी गुलाई करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कटिंग करेंगे थोड़ी सी नेट छोड़ के हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमारा ये ऊपर वाला पार्ट रहेगा ठीक है नेट में तो हमारी कटिंग हो गई है अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक कपड़ा और लिया है तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे इस वाले पल्ले को रखेंगे और इसी के बराबर यहाँ पर कटिंग करेंगे फिर इसको हटा देंगे और यहाँ पर एक या डेढ़ इंच की पट्टी कटिंग करेंगे फिर हम यहाँ पर पल्ले को सीधा रखेंगे और जो अभी हमने पट्टी कटिंग करी थी तो इसको तरह से रखेंगे ठीक है और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है फिर इस पट्टी को उल्टी साइड में फोल्ड करके सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पट्टी को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने नेट को लिया है और यहाँ पर और भी पट्टी है तो इसको फोल्ड करके यहाँ पर गुलाई में सिलेंगे ठीक है जो हमने कटिंग करी थी तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह से पट्टी को सिल लिया है इसको यहाँ पर बराबर रखेंगे और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है ठीक है आधा इंच नीचे की तरफ बढ़ा कर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे और इसी के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे लेस को भी सिलेंगे ठीक है नीचे की तरफ तो यहाँ पर मैंने पल्ले को तैयार कर लिया है तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की पहले कटिंग करेंगे तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे आगे वाले पल्ले को रखेंगे इस तरह से पल्ले को नीचे बढ़ाकर रखेंगे क्योंकि पीछे की तरफ भी हम नेट लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने नेट को लिया है और इसकी लंबाई साढ़े आठ इंच है तो इसको भी हमें कुछ इस तरह से रख लेना है ठीक है नेट को आधा इंच नीचे बढ़ाकर रखेंगे तो इस तरह से मैंने पल्ले को रख लिया है और इसी के बराबर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है ऊपर वाले पल्ले को हटा देंगे और गले की चौड़ाई हमारी तीन इंच है तो तीन इंच पर निशान लगा देंगे और गले की लंबाई एक इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे अब हम यहाँ पर पाँच इंच पर निशान लगाएंगे और कुछ तरह से पाँच सेट में निशान को लगा देंगे और इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहाँ पर मैंने कपड़े के ऊपर इस नेट को सिल लिया है इसको उल्टा रखेंगी और यहाँ पर मैंने औरबी पट्टी को लिया है तो इस और भी पट्टी को हम यहाँ पर गले के ऊपर कुछ तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है तो पूरी गुलाई में हम यहाँ पर पट्टी को सिल लेते हैं उल्टी तरफ से हम यहाँ पर पट्टी को सिलेंगे ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से पट्टी को सिलती हूँ यहाँ पर बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे अब हम यहाँ पर इस पट्टी को क्या करेंगे सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे ठीक है कुछ तरह से और फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी में हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पट्टी को सिल लिया है पीछे की तरफ गला हमारा कुछ इतना का आएगा अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर मैंने पीछे वाले पल्ले को लिया है दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा भी शोल्डर से लेंगे इसमें भी हमें डबल सिलाई लगा देनी है यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर को सिल लिया है अब हम यहाँ पर कॉलर से लेंगे तो पहले हम यहाँ पर गले की लंबाई नाप लेते हैं ठीक है कुछ तरह से नापेंगे गले की लंबाई। तो हमारी गले की लंबाई पंद्रह इंच आ रही है तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है इसको फोल्ड करेंगे और तीन इंच की हमारी गले की चौड़ाई है तो तीन इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ से कुछ तरह से गुलाई करेंगे और कॉलर की लंबाई हमारी पंद्रह इंच है तो पंद्रह को आधा करेंगे तो साढ़े सात इंच पर निशान लगा देंगे और गले की पट्टी एक इंच चौड़ी रखेंगे तो इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर कॉलर वाली पट्टी रखेंगे तो इसको हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर दूसरी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर कॉलर वाली पट्टी रखेंगे और रखने के बाद हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है ठीक है और यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हमें इसमें कट लगा देना है और इस पट्टी को हम क्या करेंगे सीधी तरफ से फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई लगा देंगे ठीक है अब हमें यहाँ पर सूट को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और कॉलर को हमें सीधा रखना है ठीक है तो इस तरह से रखें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो पूरे गले में हम यहाँ पर कॉलर को सिल लेते हैं तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ करेंगे और इसमें क्या करेंगे दाप सिलाई लगा लेते हैं ठीक है तो पूरे कॉलर में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे लेस को सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने लेस को लिया है इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे तो हमने एक सिलाई लगा दी है इसी तरीके से दूसरी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर मैंने पीछे की तरफ हुक लगा लिए हैं ठीक है आप चाहें तो पीछे की तरफ डोरी भी लगा सकती हैं तो इस तरह से हमारा बंद कॉलर गले का जो डिज़ाइन है वो बन कर तैयार हो गया है तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू